नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल की स्पेशल सीरीज दिनभर। तो चलिए नजर डालते हैं शहडोल संभाग की बड़ी खबरों पर। एनपीआरवार का एसआई से टीआई की रैंक में हुआ प्रमोशन। नगर के पुलिस कंट्रोल रूम में एडीजी व एसपी ने स्टार लगाकर दी बधाई। ग्राम पंचायत पर सवार के गांव में नहीं है मूलभूत सुविधाएं। सड़क के साथ नहीं हो रहा नाली निर्माण का कार्य भी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित हुई जिले की छात्रा बनिता दास को कलेक्टर ने किया सम्मानित। अबलाई दराहे पर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान गुढ़ार थाना पुलिस ने 5 वाहनों के काले चालान वसूला 1750 का समन शुल्क। थाना धनपुरी पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 12 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर 2 महिला आरोपियों पर किया केस दर्ज। अमलाई पुलिस ने थाने के सामने चेकिंग लगाकर 2 वाहन चालकों पर की कार्यवाही। चालान काट वसूला जुर्माना। बिचारपुर के खिलाड़ियों एवं ग्रामीणों ने खेल मैदान को दिया नाम। जयपाल सिंह मंडा के नाम से जाना जाएगा बिचारपुर खेल मैदान। अब पुलिस कंट्रोल रूम शहडोल में एडीजी ने 12 महिला डेस्क प्रभारी को मोबाइल किए वितरित। महिला अपराधों में होगी त्वरित सुनवाई। दिया पीपर शहडोल मुख्य मार्ग स्थित झांपी टोला के पास अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार डगी पुल में जा घुसी। नगर के पुराना पुलिस कंट्रोल रूम में महिला परामर्श केंद्र का एडीजी डीसी सागर ने फीता काटकर किया शुभारंभ। पुलिस ने नगर के जैन मंदिर के पास दबिश देकर भारी मात्रा में नशीली दवाइयां की जब्त। एडीजी व एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। प्रभारी कलेक्टर ने मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद से उपचार हेतु 2 लोगों को 150,000 की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृत। बुढ़ार रोड स्थित ठारवानी टीवी पैलेस के पीछे चल रहे निर्माणधीन भवन की दीवार गिरने से महिला की मौत, वही गंभीर रूप से घायल। हिंडाल्को अमरकंटक में सड़क किनारे लगे वर्षों पुराने पेड़ों को काट रहे लोग। पाली में तहसीलदार ने सील की बीएमओ डॉक्टर वीके जैन की निजी क्लिनिक आदर्श सोनोग्राफी सेंटर चोरी छिपे किया जा रहा था संचालन। क्षेत्रीय विधायक एवं कैबिनेट मंत्री मीना सिंह ने पाली क्षेत्र सहित जिले वासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। साध्वी प्रज्ञा ने कलेक्टर से कहा, फुटपाथ पर हरा पोत कर चादर चढ़ा दोगे, कोई पैदल न चले। कलेक्टर बोले, वो स्थान पहले से था। गढ़ी मोहल्ला निवासी फरियादी की शिकायत पर दहेज की मांग। गाली गलौज व मारपीट करने वाले आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज। गणतंत्र दिवस पर अच्छे आचरण के चलते आजीवन कारावास की सजा से दंडित 215 कैदियों को रिहा किया जाएगा, कहा मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। टिकुरी टोला में घर के सामने खड़ी हुई बाइक चोरों ने की पार, पुलिस जांच में जुटी हुई। सेवा सहकारी मर्यादित बैंक इंदवार में उपभोक्ताओं को पर्याप्त राशि न मिलने से 50 लोग परेशान। जरहा में बना सामुदायिक शौचालय नहीं हो सका संचालित, लोग बाहर जाने को मजबूर। सजाई गांव में स्कूल से लौट रही स्टूडेंट का बलात्कार, रनौत पुलिस ने किया आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। धन्यवाद, ऐसी खबर में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।